नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। अधीर रंजन पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है। अब सवाल यह है कि अधीर रंजन ने कहा क्या, सवाल यह है कि उसके बाद क्या कहा जो बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है कि देश से माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे। तो दरअसल अधीर रंजन ने कहा क्या था, उसकी गलती क्या थी, आइए उन तमाम बयानों को उन्हीं के जवानी आपको सुनाते हैं कि दरअसल वो क्या सफाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा क्या था, आइए सुनते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कई पत्रकारों ने पूछा आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं, इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली। सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खड़गे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बाय डिफॉल्ट ओनली वंस